क्लासिक मैंने चला ली थी इसलिए मैंने ये ली। अगर हाँ। मैंने क्लासिक नहीं चलाई होती तो चाहे इसमें कितने फीचर होते मैं फिर भी क्लासिक लेता। माइलेज दे रही है 8.5 से 9 के बीच में। लास्ट 9.5 दे दी तो दे दी, हाईवे पे दे देती है 13, 13.5, 14 की। बट लो, 2 एयरबैग, 1 ब्लूटूथ। ब्लूटूथ उसके अलावा कुछ नहीं है इस गाड़ी। अगर आपके कोई नोन है हाँ। भाईचारे में वैसे कोई नोन है तो ठीक है, नहीं सर्विस बेकार है। आवाज को बंद करने के लिए उन्हें 10 बार गाड़ी के दरवाजे खोले। जैसे भाई किसी ने क्लासिक नहीं लिया है तो बिल्कुल क्लासिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। आज अपने साथ है भाई स्कॉर्पियन Z8। भाई ने भी रिसेंट लिए 4-5 महीने पहले, तो ये इंट्रोडक्टरी प्राइस वाली तो नहीं है, बट ये प्राइस बढ़ने के बाद वाले पैसे हैं इसके, और बढ़ गए थे भाई उसके बाद तो। और ये अपना मैनुअल वेरिएंट रहने वाला है, तो भाई साहब इसका एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि भाई ने स्कॉर्पियो सेल करके ही स्कॉर्पियो लिए, तो पता चलेगा भाई पुरानी स्कॉर्पियो में और नई स्कॉर्पियो में कैसा अंतर आया भाई को दिखा, क्योंकि ये तो पूरी जनरेशन ही चेंज हुई है और सारी फीचर वगैरह इसमें तो ऐड ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही ऐड हुए हैं। वो पूरी रफ एंड टफ आती थी, ये थोड़ी लग्जरी सेगमेंट के साथ रफ एंड टफ दोनों है। तो भाई की पर्सनल क्या है वो है, और माइलेज वगैरह में कितना अंतर देखने को मिला और चलाने का मेन, तो चलो भाई को बुलाते हैं और पूछते हैं। भाई साथ आ चुके भाई लक्ष्य, भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो भाई कौन सा वेरिएंट और कब लिया था आपने? मतलब भाई ये लिया था अप्रैल में, ये Z8 मॉडल है। Z8 है अपना मैनुअल में भाई manual, तो अप्रैल में लिया था, तो भाई इसको हो गए मोटे मोटे 5 महीने हो गए हैं। 5 महीनों कितनी चला दी भाई आपने? भाई ये 9000 चल दी। 9000 चल गई, 9000 चला दी भाई ने 5 महीने में, तो अच्छी खासी रनिंग हो चुकी है भाई। इससे पहले कौन सी थी आपके पास? वो कितनी चला दी थी आपने? वो भाई 2.5 लाख कुछ चलती थी। तो मतलब आप फिर दोबारा फैन बेस ऐसे बन गया कि स्कॉर्पियो ले ली दोबारा? अच्छा वही वाली लेनी थी पुरानी क्लासिक। क्लासिक लेते आप दोबारा? बट फिर जैसे 2-4 भाई तो पूछी, उन्होंने कहा भाई कितना अंतर नजर आया आपको बाहर से, मतलब पसंद आई आपको ये उसके मुकाबले और इसमें? भाई पसंद आई बिल्कुल, जो मतलब इसका जो बनाया है बिल्कुल चेंज कर दी। कईयों को तो जैसे पसंद नहीं आई थी हाँ, जैसे इसके जो है स्ट्रक्चर पूरा पुरानी वाली एन से वो स्कॉर्पियो से अलग है बिल्कुल हाँ। बाहर से आपको लाइट वगैरह पावर में तो खैर है ही ज्यादा। ये भाई ये बताओ आपने जैसे नाइट को भी ड्राइव करी होगी, लाइट का थ्रो कैसा है इसका? जो कंपनी से नॉर्मल ही है, इससे अच्छा वो पुरानी जो मेरी उसमें थी ना हाँ, हेलोजन ही थी, मतलब येलो वाली लाइट थी हाँ, तो उसका थ्रो इनसे बहुत अच्छा था। अरे इसके बताओ एलईडी में भी थ्रो नहीं है इसका? अच्छा प्रोजेक्टर दे रहे हैं जब भी नहीं है, और ये फॉग लैंप तो ना के बराबर है। अपग्रेड कराने पड़ेंगे, और फॉग लैंप तो भाई बेकार को दिखता ही नहीं है, ये तो बस दिखावटी है भाई देखा जाए तो। नॉर्मल जो क्लासिक में अभी आ रही है ना लाइट हाँ। उनका थ्रो भी बहुत अच्छा है, इसका कम है देखा जाए तो। अगले आदमी के लिए तो बढ़िया है, अगले आदमी पे तो नहीं मारती है, थोड़ी लुक में मान लो वैसे थ्रो बेकार है। लुक में तो अच्छी लगती है देखा जाए ना, फ्रंट की ग्रिल वगैरह जो ये पहले भाई पे एस्टन होगी भाई उसमें भी देखा जाएगा अपने ऐसी ग्रिल आती थी हाँ भाई, उसमें फिर S11 में इन्होंने वो बक्से से बनाया, फिर क्लासिक में फिर ऐसी ग्रिल दी। दिन का ये पूरा वो है स्कॉर्पियो का वो चल रहा है, लेगेसी ऐसी चलाई है इन्होंने भाई। टायर भाई आपने जैसे Z8 में देखे इनको 18 इंच वाले नहीं देने चाहिए थे, ये छोटे छोटे सीन लगते 17 इंच वाले। पहले तो देते भी नहीं थे, अब तो मैंने जब लिया उस टाइम तक तो देने लग गए थे अलॉय, इन्हें Z8 में अलॉय भी। अच्छा आपके टाइम पे Z8 में अलॉय आ गए थे? हाँ अलॉय आ गए थे, उससे 2-3 महीने पहले अलॉय भी नहीं आते थे, रिम आते थे। हाँ रिम देते थे मैनुअल वेरिएंट में, और अगर आप Z8 में ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको अलॉय मिल जाते थे, 18 इंच वाले मिलते थे फिर तो ऑटोमेटिक लेते थे तो भाई 18 इंच वाले। Z8L में चाहे मैनुअल लो चाहे अपने ऑटोमेटिक लो आपको 18 के ही मिलेंगे, और इसमें चाहे आप ऑटोमेटिक लो मैनुअल लो इसमें आपको 17 के ही मिलेंगे। बैक लुक कैसा लगा आपको गाड़ी का पुरानी के मुकाबले? इसको पब्लिक बताऊं हां मुझे बहुत बुरी लगती थी हां, धीरे 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 जैसे जैसे रोड पर देखी लोगों ने थोड़ी बहुत मॉडिफाई कराई भाई लाइट वाइट हाँ, तो वो टाइम के साथ पसंद आने लग जाती है, साथ आंखों में भाई फिट बैठने लग जाती है। शुरू में तो बहुत बुरी लगती थी, अब यही अच्छी लगती है। अब तो यही बिक रही है भाई क्लासिक के मुकाबले, इसकी सेल ज्यादा हो चुकी है भाई। अपने एजेंसी में भी जाओगे ना सर्विस पे हाँ, वो ना बराबर क्लासिक दिखेगी ना बराबर, NEN खड़ी है सारी एन खड़ी है। चुके इंटीरियर में, और Z8 का इंटीरियर भाई बिल्कुल टॉप मॉडल की तरह ही समझ लो, इसको सब कुछ मिलता है आपको, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, वायरलेस चार्जर नहीं आता इसमें, ड्राइव मोड्स वगैरह, ड्राइव मोड्स तो खैर इनके ऑटोमेटिक में सब उसमें डीजल वाले वेरिएंट में आते हैं Z4 से ही, लेकिन यहाँ सॉफ्ट टच वगैरह जो है ये सारा मिल रहा है आपको, ये तो हार्ड प्लास्टिक है ये सॉफ्ट टच, और यहाँ पे ये सॉफ्ट टच मिल रहा है, ये सारा ग्लोसी ब्लैक में मिरर फोल्डेबल वाले मिल रहे हैं, और ऑटो हेडलैम्प्स मिल रहे हैं अपने, वाइपर्स भी ऑटो वाले मिल रहे हैं इसमें, इधर को चल के ऑटो दबाते के साथ। तो भाई मैनुअल लेने का मेन क्या था आपका
लेना क्यों था मैनुअल, ऑटोमेटिक पे जा रही है आजकल तो सारी, और इतनी बड़ी गाड़ी भाई सब। भाई एक तो थोड़ा एवरेज का भी होता, और फिर मतलब पापा ने कहा कि उन्होंने आज तक चलाई नहीं थी ना ऑटोमेटिक। अच्छा, तो उनका हाथ थोड़ा सही हुई तो उनको चलवा भी दी थी मैंने एक दोस्त की। हाँ, बट नो कह रहे ना यार अपने मैनुअल ही ले ले, अपने हाथ पैर चलते रहेंगे उसमें, फिर एक पैर बिल्कुल वो जाता है ना जा, एक पैर और एक हाथ बिल्कुल फ्री रहता है। ये तो चीज है मैनुअल में ना, ये है कि आदमी की थोड़ी सी एक दो साल ज्यादा जीता है भाई। हाँ। कि वर्किंग रहता है, पैर बढ़िया चलते हैं। बट ये है कि भाई मैंने बहुतों की सुनी है मैनुअल एन का इतना अच्छा नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में तो बढ़िया रहेगा, बाद में ना इसके दूसरा गियर लगाते हैं इसका तो झटका सा देती है ना आवाज आती है, और ये तो आने वाले टाइम में ना थोड़ा सा गियर अटकने लग जाते हैं इसके, जो मैंने देखे ना पुराने लोग जो गाड़ियों में नहीं थे महिंद्रा की, मैं वो तो बड़ा ही कितना आता था, ये तो छोटा सा कर दिया, वो पहले कितना बड़ा आता था, आवाज करता है एकदम से ना, दूसरे गियर में दिक्कत आती है ना। पावर कैसी है भाई? पावर भाई अच्छी है, अच्छी है, मैनुअल में भी बढ़िया बढ़िया पावर है, बढ़िया भागती है अपने जूम में, जैप में बढ़िया पावर देती है, बिल्कुल अपने नॉर्मल पावर आएगी। तो आप सिटी में कैसे चलाते हो इसको, जिप में, जैप में, जूम में? भाई मैं तो जैप में जाता हूँ, बार बार फिर वो करना पड़ता है उसमें ना, जिप। हाँ, जैसी गाड़ी बंद हुई वो जैप में चला जाता है ऑटोमेटिकली। जिप तो यार बहुत कम चलाता हूँ, जिप में तो बहुत मतलब ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, गाड़ी में ना बिल्कुल ढीली हो जाती है समझ लो कि, जैप में तो फिर भी हाँ पिकअप भी नहीं रहता, थोड़ी ढीली ढीली चलती है, इंजन बिल्कुल साइलेंट सा हो जाता है, और प्यार से मतलब ऐसे चलती है जैसे गाड़ी रिलैक्स होगी, ज्यादा फर्क नहीं आता, बड़े जैप में भी चलाओगे ना। हाँ, तो जैप में नहीं आती, तेल का इतना फर्क नहीं है, जूम में थोड़ा ज्यादा तेल पीती है, जूम में भागती भी है लेकिन भाई ये तो चीज है, जूम में भागती भी है। भाई ये बताओ कितने की पड़ी है आपको अभी ये? भाई ये मेरे को 22.5 की पड़ी थी ऑन रोड गुड़गांव में। हाँ गुड़गांव में भाई ये पड़ी है, गुड़गांव में भाई ने 22.5 की। इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह मिला भाई आपको? डिस्काउंट तो नहीं मिला, उसकी बस वारंटी की होती कि भाई 3 साल की 5 साल की उसका ही होता, हमने लेस कर दिया था। हाँ। बाकी और कोई ऐसे डिस्काउंट? अच्छा वारंटी आपने बढ़वा ली? ना बढ़वाई नहीं है अभी मैंने। अच्छा बढ़वाई नहीं है, वो तो 3 साल में कभी बढ़वा लो भाई, देखा जाए तो 19,000 की थी उसकी मेरे ख्याल में वारंटी। तो भाई देखो एन की महिंद्रा की गाड़ी को बढ़वा लेनी चाहिए भाई। माइलेज क्या दे रही है आपको ये? मैनुअल में लिया आपने तो खैर बढ़िया दे रही होगी। माइलेज दे रही है 8.5 से 9 के बीच में बस। बस भाई मैनुअल में तो ज्यादा दे, लास्ट 9.5 दे दी तो दे दी, पर 9 से ऊपर नहीं दे रही लोकल में, हाईवे पे दे देती है 13, 13.5, 14 की। बट लोग और जो पुरानी वाली थी आपकी उससे कितना अंतर आया? उसकी तो बहुत अच्छी एवरेज थी, वो तो आराम से देती होगी 14-15 की। आपको 12 की तो लोकल में बड़ी आराम से देती थी, कैसे कितनी गंदी चला लो उसको, 12 की फिर भी देती रहती थी, और हाईवे पे देती थी 16, 16.5 की। इससे तो परेशान हो गए होगे मतलब भाई, लेकिन भाई मैं देख रहा हूँ 8 की तो पब्लिक को देनी थी, मैनुअल में ना आराम से देती 10 की दे रही है, मैनुअल में एवरेज मेरी ना दे रही, क्या दिक्कत है इसके मीटर में, कोई दिक्कत है? फिर आपने ट्रिप भी मारी उसके बाद कुछ नहीं दिखा अंतर? शाम साला सर गया था वहाँ भी इसमें 11 से ऊपर की मीटर में दिख रही रेंज। फिर आपने कंपनी पूछी नहीं सर्विस? तो खैर अभी उसकी हुई नहीं है, मैंने कंपनी पूछी थी, कह रहे थे भाई दिखा जाना एक बार चेक कर लेंगे, फिर मैं टाइम सही लगा मका भी चला। ये तो है भाई एन में ना थोड़ी सी कंप्लेन लोगों की ज्यादा आ रही है, किसी की में एसी की आ रही है, एसी ठंडी हवा नहीं फेंक रही है, तो है महिंद्रा को थोड़ा सा ही देखना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन कैसी चल रही है भाई, लैग वगैरह ये कुछ कर रही है? स्क्रीन भाई अभी तक तो बढ़िया चल रही है, लैग नहीं, बस कैमरे का थोड़ा सा होता है, बैक कैमरा है ना कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है ना, लगाते हैं ना जब छोटा बड़ा वाली दिक्कत है। ये देखो भाई ये देख रहे हो आप, ये जैसे अभी तो बढ़ा रहा है, कभी इतना ही आता है बस, ये पूरी स्क्रीन इतने से ही आती है। हाँ। ये चीज गलत, ये इन्होंने पता नहीं अपडेट भी कर लेते हैं फिर भी ये कैमरा अपडेट नहीं होता, या पता नहीं ये कैमरा मानता नहीं है कि मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, ये चीज है। तो भाई चलाने में आपने जैसे ऑटोमेटिक चलाई किसी की भाई की? भाई चलाई थी मैंने। अंतर है कुछ मतलब ऑटोमेटिक जैसे गेयरबॉक्स बढ़िया है? आपका मन तो आया होगा कि ऑटोमेटिक ले लें बस? हाँ मेरा मन तो था ही ऑटोमेटिक का, मैं जाम वाम में दुखी कर देती है मैनुअल, ये तो है, बट इतना कोई ज्यादा फर्क मेरे को लगा नहीं कि हाँ ऑटोमेटिक में, बस ये अपने गियर की दिक्कत नहीं, आपको गियर लगाना है बार बार, इसमें गियर की दिक्कत है, चलने में दोनों बराबर से। नहीं क्लच की भी आ जाती है भाई, पावर लेती है, पावर तो लेती है भाई, ये अपने आराम अपने हिसाब से चलती है, वो करती है, ये तो है। तो भाई एन का ही मन बनाया था आपने सीधा स्कॉर्पियो लेनी है? बताऊं मेरा मन था क्लासिक का। अच्छा क्लासिक, मेरा मन बदला था लास्ट के 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर। हाँ। ये 2-4 लोगों ने कह दी कि ना यार क्लासिक क्यों ले, वैन ले ले, क्लासिक 10 साल चला ली, हमने पुरानी वाली 2014 में ली थी और अब बेची थी 2024 में, और वो तो आती मैनुअल में, तो मैनुअल में आती थी वो, बिल्कुल मतलब क्लासिक जो आ रही है वो हमारी बाहर से भी सेम अंदर से भी सेम, उसमें कुछ फर्क नहीं था, एक उसका कलर का फर्क हो जाता की ब्लैक कलर की ले ली हम, ये तो चीज थी बिल्कुल सेम रहती है, सेम रहती है वो, कि 10 साल वो चीज चला ली और फिर से दोबारा वही ले ली, तो फिर यार ना 1-2 साल में गाड़ी चेंज हो गए, 7 साल उसको भी रखते, तो फिर अपने लोगों ने कही कि भाई अपने एन पे जाओ, एन पे जाओ, फिर मैंने सोचा आया मेरा मन सा बन गया। फिर क्लासिक का रेट लिया था भाई आपने कोई? क्लासिक कितने की पड़ रही थी? 19 की।
मतलब ये आपको लगा नहीं 3 लाख रुपए लगा के आपने कुछ बढ़िया चीज ले ली? भाई इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें क्लासिक में है क्या आज के टाइम कुछ? दो एयरबैग आते हैं और जीरो स्टार सेफ्टी है भाई। देख जीरो स्टार सेफ्टी चल चल वो तो देखी जाए अपने हाथ में। दो एयरबैग, एक ब्लूटूथ, ब्लूटूथ उसके अलावा कुछ नहीं है इस गाड़ी में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ये है कि फ्यूल रेंज भी नहीं बताती यार, 5-5.5 लाख की गाड़ी आज के टाइम में कोई भी ले लो। स्कूटी बाइक भी बताती है एवरेज तो आजकल, ये नहीं बताती लेकिन वो उसमें वो चीज भी नहीं है। और वो सिस्टम वो भी अलग कर दिया, वो आफ्टर मार्केट ऐसा लगता है उसके क्लास बहुत बेकार है ना, ब्राइटनेस ही बहुत बेकार है। एक तो लैगिंग बहुत है, पता नहीं क्या कर दिया महिंद्रा ने इसमें। कुछ भी नहीं है स्पीकर, इसके स्पीकर ही बहुत बढ़िया, अब तक मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ स्पीकर तो है इसके बढ़िया, जो सोनी के आते हैं वो इससे ऊपर वाले लग्जरी में आते हैं। ये भी बहुत बढ़िया है, इतने ज्यादा तेज सुने भी नहीं जाते, खराब भी है ज्यादा तेज सुनना भाई, एक सेटिस्फाइंग आवाज है। चलता ना बाहर रोड पे कोई हॉर्न वगैरह दे रहा है, हाँ भाई उस चीज की पता नहीं चलती। बाकी ये इसमें सारी चीज है ओके रिपोर्ट, बट क्लासिक में कुछ भी नहीं था। क्लासिक का बस ये है कि हाँ टोरा मान लो भाई, उसमें भी पैसे लगाने पड़ते फिर आपको भाई 19 के लेके मान लो, चलो मैं उसको ले भी लेता 19 में, हाँ। उसमें 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगा लेता। 22 की तो ये जब भी पड़ रही है, जब भी पड़ रही है 3 लाख लाख बहुत बड़ी हो जाती है। बट फिर वही वाली बात है यार, बाहर की चीज बाहर की रहती है, बाहर की चीज बाहर की रहती है भाई। वो ना तो उनकी कोई वारंटी है, आपकी 3 साल की वारंटी में सब कुछ कवर है, कुछ भी खराब होता है कल कोई ठीक कर भाई, ये सारी चीज नहीं लगवा सकते आप। और भाई 3 लाख में आप एयरबैग भी नहीं बढ़वा सकते गाड़ी में, वो जो आपको 6 एयरबैग दे रही है गाड़ी, वो एयरबैग नहीं बढ़वा सकते आप देखा जाए तो। फिर ड्यूल जोन वगैरह इसी, चलो ये सीट भी कंफर्टेबल नहीं है, सीट भी दुखी कर देती है क्लासिक की। हाई इसकी तो भाई कंफर्टेबल है, इसकी है पर क्लासिक की ना पीछे वाली आगे वाली भी दुखी कर देती है, बस जो चला रहा है उसको थोड़ा सा ठीक मजा आएगा। भाई माइलेज ही देख लो, उसकी माइलेज इससे थोड़ी ऊपर पड़ जाती है प्लस पॉइंट में, लेकिन पावर कम है भाई। वो झोल भी मारती है, कहने की बात है क्लासिक में झोल कम कर दिया, कुछ भी वो नहीं है, झोल तो पूरा मारती है इसमें, कम कर दिया बल्कि ये काम ना के बराबर मारती है, क्योंकि मैं भी ऑन कर रहा हूँ भाई। ये बढ़िया चलती है अपनी गाड़ी, ऊंची है लेकिन इसका इसके हिसाब से देखा जाए ना बॉडी रोल इसमें कम कर दिया है। देखो भाई मैनुअल चला के देखता हूँ मैं, मैनुअल में डीजल में क्या अंतर आता है भाई। लाइट क्लच तो बड़ा प्यारा भाई इसका, लाइट बिल्कुल नई गाड़ी समझ लो या क्या। मैंने एक और चलाई है भाई की, वो पेट्रोल थी लेकिन क्लच उसका भी लाइट था, बड़ा स्मूथ है भाई क्लच तो देखा जाए तो भाई। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ आपका एवरेज का बड़ा मेन है भाई, एवरेज की है, एवरेज नहीं दे रही ना जो गाड़ी। हाँ इसको दिखाओ भाई कंपनी में, दिखाओ या तो इसकी अभी सर्विस ही आ गई, भाई ने चला दिए देख लो भाई 88 ऑलमोस्ट 9000 चला दिए। अब मैं सोचूं 9.5 पे इसकी सर्विस करा लूं, हाँ एक बार ही दिखा लूं। जब ही करा लो सर्विस करा के, मतलब कभी आप घूमने उमने जाओ तो आराम से पी जाएगी ज्यादा तेल। एवरेज नहीं देती थी खास, अभी उज्जैन गई थी तभी इसने दी थी 14 की एवरेज 13.5। और उज्जैन तो भाई बिल्कुल खाली रास्ता है, 13.5-14 की लास्ट दी थी। और आपके 17 इंच वाले अलॉय है, ये भी नहीं कि 18 इंच वाले अलॉय है, ये आपने कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। भाई पड़ता है, अगर आपका टायर साइज बढ़वा लोगे ना, जैसे मेरी गाड़ी में टायर साइज बढ़ रखा है तो मेरी लास्ट 16 की देती है, उससे ऊपर नहीं जाती। लोगों ने 18 भी निकाल रखी है 18 इंच के अलॉय में, लेकिन मेरा टायर साइज बढ़ा हुआ है ना तो उसमें कम देती है। 18 की एवरेज निकाली हुई है लोगों ने ऑटोमेटिक में Z8 में, तो ये अभी तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये तो मैनुअल में भी लोगों को 13-14 की दे रही है डीजल में, बट आपको कम दे रही है ना, ये मेन कंसर्न बनता है। लास्ट सीजन 13.5-14 की दी है, मैं लंबी से लंबी उज्जैन गई है अभी तक, हाँ मेरे को 13.5-14 की दी है लास्ट, उससे ज्यादा नहीं। अब क्या पता 10,000 की सर्विस होने के बाद देने लग जाए, हाँ ये तो क्या पता वो ठीक भी करते कुछ गड़बड़ हो गाड़ी में, तो वो ठीक भी करते हाँ। नहीं तो ये अभी फिलहाल में तो यही एवरेज दे रही है, लोकल में 8.5-9 से ज्यादा नहीं देती भाई। महिंद्रा में जैसे आपके पास पहले भी थी स्कॉर्पियो और अभी आप इसका सर्विस का एक्सपीरियंस लोगे 1000 वाली के लिया, कैसा कितना चेंज आया महिंद्रा में अब पहले के मुकाबले सर्विस के मामले में देखा जाए? अगर आपके कोई नोन है, हाँ भाई जा रहे में वैसे कोई नोन है तो ठीक है, नहीं सर्विस बेकार है अब भी सब, हाँ अपने बेकार है, अपने किसी को कोई मतलब नहीं है कि इससे, अपने वहां हांडते रहो जो सर्विस हो रही है वहीं पे, अपने कस्टमर भी कभी कुछ देखे मतलब वो, ये इतनी कोई खास सर्विस नहीं है, कोई जानकार है आपका यार दोस्त है कोई वैसे है नोन में सर्विस वाला तो आपकी ठीक है, आपकी सुन लेंगे ना, तो फिर ऐसी कोई खास सर्विस नहीं है। अब भी दिक्कत है महिंद्रा मतलब आपके हिसाब से है भाई? भाई मेरे को तो मजा नहीं आया, बाकी और सबकी अपनी अपनी है, सबकी अपनी अपनी, या तो सर्विस सेंटर को भी लेके हो सकता है, डीलरशिप वेरी करता है, हाँ डीलरशिप पे भी वेरी करता है। और ये बात भाई की बिल्कुल सही है, भाई आपका जानकार है ना तो वो थोड़ा अपने काम को ढंग से करा देगा, तो आपका ढंग से, कोई ऐसी खास सर्विस नहीं है महिंद्रा की, क्योंकि मैंने भी देखा था मेरी गाड़ी गई थी, बता क्या ये करना है जी, वो हाँ। चीज होती नहीं है, और चीज करके दे देंगे वो चीज होगी नहीं बहुत सी चीज। आवाज वगैरह तो नहीं है आपकी गाड़ी में अभी तक कोई, जैसे 1000 वाली सर्विस में बीच में थोड़ी सी आ रही थी इनमें डोर में से आई, पता नहीं किसमें से, अच्छा या तो लगता है मेरे को ही आ रही हो, हाँ बट उन्होंने कहा कि सर कोई आवाज नहीं है, बट
फिर आ रही थी बड़बड़ की आवाज आ जाती थी, तो फिर अब वो करी कर दी उन्होंने। तो सही ये तो है कि इनको जाके बताना पड़ेगा और जगह बतानी पड़ेगी एक बार कि यहीं से आ रही है। आवाज को बंद करने के लिए उन्होंने 10 बार गाड़ी के दरवाजे खोले। अच्छा जी, जब जाके आवाज का कोई वो लगा कि आवाज आ रही था, वो जो ये होता है ना अपना गाड़ी का लॉक का, वो हल्का सा ढीला हो रखा था, उन्होंने उनको टाइट कर दिया बस और आवाज चली गई। 10 बार ये डोर के खोल दिए। ये है कि इनके पास भाई जितनी गाड़ियां बेच रहे हैं ना, गाड़ियां मिल नहीं रही, तो गाड़ियां हर तीसरे बंदे के पास एन हो रखी है आज के टाइम पे। लेकिन इनको अपने ये जो सर्विस वाले हैं ये बंदे बढ़ाने चाहिए या इनको और प्रोफेशनल बनाना चाहिए एक्सपीरियंस वाला, ताकि ये काम कर सके। भाई ये बताओ मेरे को 22 लाख रुपया आज कोई लगाना चाहे इन पे तो लगाए? हाँ भाई लगा सकता है बिल्कुल। भाई 22 लाख में क्या ही आता है आजकल, क्रेटा अपने किया सेल्टोस ही आ रही है, उनके मुकाबले तो बहुत बड़ी गाड़ी है, मुकाबले बड़ी भी है, पावर भी ज्यादा, पावर ज्यादा है, फीचर भी लगभग सेम सेम फीचर तो कलो वो कहीं ना कहीं ज्यादा दे रही है, चल ज्यादा भी दे रही है, पर काम इससे ज्यादा तो क्या ही लोगे, काम का तो यही सब है, इंजन दे रहा है बढ़िया भाई, बड़ा इंजन 2200 cc का इंजन होती है गाड़ी में, इंजन कैसी चल रही है, क्या पावर है गाड़ी की, फीचर वगैरह ये तो नॉर्मल चीज होती है, कोई इतनी अब इसमें इतने फीचर है आधे ज्यादा मैं यूज ही नहीं करता, ये अपना मेन है, गाने चलाओ और अपना चलो, ये चीज होती है मेन। दो तीन चीज काम की होती है, एप्पल कार प्ले हो गया, एक अपने भाई एंड्रॉइड ऑटो भी लगा लो, चलो लगा लो ये मैंने सनरूफ लोगों की देखी बंदी रहती है, पैनारोमिक ले लो चाहे इलेक्ट्रॉनिक ले लो, कोई वो नहीं है इसकी, कोई इतनी वो नहीं है कि बस ये सनरूफ से जज करने लगे। इसमें अपना एड्रेनोक्स वाला ऐप है वो, चलो मैं वो काम का लगता है कि भाई गाड़ी कहाँ है क्या, वो तो चलो हाँ मिल जाती है, और क्या काम का है इसमें, कुछ ऐसे कोई फीचर ज्यादा काम के नहीं है। फीचर ये है कि आपका TPMS आता है भाई इसमें, टायर प्रेशर TPMS आता है भाई इसमें, GPMS भी आता है, मतलब इसमें है फीचर थोड़े से अपग्रेड ये। तो भाई आपने मेन कंसीडर Z80 बनाया था या कोई और भी वेरिएंट देखा था? Z80 बनाया था कि Z80 लेना, क्योंकि भाई पे था यही सेम डीजल Z8, तो उसके पहले देख के चला वाला के, उसके बाद ही ये वाला। फिर सेलेक्ट नहीं देखा अपन? भाई उस टाइम पे आ चुका था जब मैंने ली थी ना, उस टाइम पे सेलेक्ट आ चुका था, उसमें दो चार चीजें कम थी, साइड के मिरर हो गए, ये फोल्डेबल नहीं थे, हो गया, हाँ ये चीज नहीं था, फिर मैं यार ले रहे हैं जिस चीज का मन बना हुआ था अपना वही ले लो। हाँ। तो से पीछे क्या होगा आपको, ये 22 की पड़ी है तो वो 22 में आपको ऑटोमेटिक आ जाती, वो मेरे को पड़ रही थी 20.5 की मैनुअल, 20.5-21 की पड़ रही थी मैनुअल आपके, मैनुअल तो ये भी ठीक है भाई, 20-22 लाख मेरे को ऑटोमेटिक पड़ रही थी, 22 में ऑटोमेटिक पड़ रही थी, 22 में 1.5 लाख का फर्क था दोनों गाड़ी के बीच में। ये चीज है गुड़गांव में भाई, गुड़गांव की देखा जाए तो अभी भाई इसके सर्विस एक्सपीरियंस लेंगे और जो भाई ने ली उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करा अपना और बताया भाई, मतलब 22 लाख रुपए में आप आंख बंद करके लगा सकते हो स्कॉर्पियो पे, ऐसे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है भाई की, जो एवरेज वाली आ रही है ये मेन ये था कि भाई क्लासिक मैंने चला ली थी इसलिए मैंने ये ली, अगर मैंने क्लासिक नहीं चलाई होती तो चाहे इसमें कितने फीचर होते मैं फिर भी क्लासिक लेता, एन पे कोई अपना वो नहीं था, जो नहीं था वो जैसे भाई किसी ने क्लासिक नहीं लिया तो बिल्कुल क्लासिक ले लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी ना हो गाड़ी में, बट अगर किसी ने चला ली तो भाई फिर वो तो पूरी रफ एंड टफ है, उसने 2-3 साल पहले ली थी क्लासिक, S9 मॉडल था उसका, 2-3 साल चलाई उसने ब्रेक कैन ले ली, तो उसी ने मैं कहा था कि भाई क्लासिक मत ले, मैंने अपने अभी ब्रेक के 3-4 साल चलाई है और मैंने लेकर आया हूँ, तो मैं कहा यार चल ठीक है। ये है कि क्लासिक में थोड़े से ये सेंसर वगैरह कम आते हैं, बारिश बारिश हमारे यहाँ ज्यादा आती है तो बेसक घुसा दो से पानी में, इसे कहीं ना कहीं डर लगता है, इसमें भाई दिक्कत आ जाती है सेंसर का, इसमें आधी ज्यादा मीटर में लाइट रहेगी, कभी कुछ कभी कोई लाइट आ जाएगी, कभी कोई लाइट आ जाएगी, ये चक्कर है। ये महिंद्रा का ये जो टेक है ना इसमें सबको दिक्कत है, ये नहीं क्लासिक का भाई एसी भी इतना कोई खास नहीं है, इसका बढ़िया भाई एसी, इसका तो ठंड मार देता है बिल्कुल, ऐसा कर देता है कि अभी भाई ने 24 पे चला रखा है देख लो, और अभी हम ओके बैठे हैं बिल्कुल धूप निकल रखी है बाहर। तो भाई ये था आज भाई के साथ एक सर्विस का एक्सपीरियंस और गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी स्कॉर्पियो और महिंद्रा के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।